हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रशिद पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वापस वही एनर्जी के साथ आ गए दोस्तों, ऑलमोस्ट 15 दिन बाद मिल रहे हैं आपसे। कैसे हो आप सब लोग? हम सब ठीक है। हमें टाइम चाहिए था पूरी फैमिली को हेला के इंसिडेंट से कवर होने के लिए। हेला की पूर्ति हमारी कभी भी पूरी नहीं हो सकती, बट खड़ा तो होना ही पड़ेगा वापस। और आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया कि भाई कहां हो भाई, व्लॉग दे, व्लॉग लाओ, तो ले आए हैं व्लॉग। और हमारी हेला हमारे साथ हमेशा है। बताऊं क्यों? देखो वो देख रही है अभी भी, वही मेरी बेटी। थी हेलो, ऐसे ही बैठा करती। थोरू में बैठो। आजा। थोर और मैं अब रोज खेलते हैं। एक्चुअली थोर को ऐसे अकेलापन ना फील हो। मैं बेटू, थोर और मैं रोज खेलते हैं। और यार दोस्तों, मेरे को कटिंग करानी है। बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो एक बार कटिंग भी कराएंगे आज। सो भाई अपडेट देता हूँ। कोनी और बच्चे सारे चले गए हैं। कोनी फार्म पे गई और फार्म पे चलेंगे, फार्म पे अपडेट देंगे। मम्मी पापा से मिलाऊंगा, तो आज के ब्लॉग में सबसे मिलाता हूँ आपको वापस, और एक नई शुरुआत फिर से करते हैं, ठीक है? सो अभी दूध गर्म कर रहा हूँ। मम्मी स्कूल गई है, पापा काम पे गए हैं अपने, और मैं दूध गर्म कर रहा हूँ अभी। खाना खा के बोल दूंगा तेरे को, ठीक है? ठीक है, देखिए कैसे ठा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ओए ओ ओ टेने डे, इसका नाम छोरी है। ये कैमरे में बहुत छोटा लगता है यार, इसको चेहरा इतना बड़ा है और कैमरे में छोटा सा लग रहा है। चलो चल थोर, तेरा खाना बनाऊं। सो देखो भाई, थोर का खाना क्या है? ये फीड, अंडे और दही। तो पहले मैं इसके ना अंडे थोड़े से डाल देता हूँ, ताकि ये मतलब दो अंडे ही डालूंगा पहले, और बाद में ये दो अंडे बाद में दूंगा, क्योंकि ये ट्रीट की तरह खा लेता है ना। फिर पहले चेक करते हैं और फिर खाना खाते हैं। थोर है ना, ये ना मतलब ऐसे नहीं है, एग्रेसिव ईटर नहीं है, ये तरीके से खाता है। और मतलब अगर मन करेगा तो खाएगा, ये उन्हीं की खाना रख दे तो खा दूंगा सारा। जैसे अपने इना मीना और है ना, तो और आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है, वो कल यार कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा या आज वाले में दिखाऊंगा, कुछ कर देखता हूँ। एक दो नए फैमिली मेंबर आए हुए अपने पास, और वो जब हेला की डेथ हो गई थी ना, उससे पहले ही आ गए थे, या उस दिन उससे अगले दिन आए थे, पता नहीं, क्योंकि वो पहले से प्लान चल रहा था। मैं आपको कह रहा था कि सरप्राइज दूंगा, तो ये वही सरप्राइज था। सो लाएंगे, या तो इसी व्लॉग में दिखाऊंगा मैं आपको, या नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तो आज वैसे खाने में मेरे ना यहाँ पे प्याज के परौंठे बने हुए हैं। पहले मैं ये दूध गर्म हो के बंद करूंगा, फिर प्याज के परौंठे खाऊंगा। और बाकी भाई मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं स्टडी करता हूँ भाई। कई लोग पूछते हो क्या करते हो, तो मैं स्टडी करता हूँ, तो अब उसके लिए एडमिशन्स के लिए मेरे को थोड़ा भागदौड़ करनी पड़ेगी। अपना मैंने दही की लस्सी बना ली है, और कढ़ी है, और परौंठे हैं, और मैं ये पानी इसमें डालूंगा क्योंकि इसमें ठंडा रहता है, तो इसमें डाल देता हूँ और फिर खाना खाते हैं। बाकी आप लोगों ने ये देखी दीवार देख के वापस, कितना अच्छा लग रहा है यार। ये देखो भाई थोरू को, ये मम्मी और के साथ सो रहा है, मम्मी और का लाडला बेटा। हाँ क्या 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 करूँ, ले इसकी एक्टिंग देख लो, क्या करना चाह रहा है अभी, ऐसे छोड़ के हमारे पास देख 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 लो देख लो इसकी हरकतें। सारे बैठे हैं और यहाँ पे इस देख 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 देख, देख। Okay, क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? और यहाँ एसी चलाया हुआ है, बट ये यहाँ आया हुआ क्योंकि हम सारे यहाँ बैठे थे। तो ये बादल देखो, टाइम है, चीजें ठीक होंगी, बट वो कोई नहीं भूल सकता उसको। और अभी थोर को मतलब हम तो बोल के बता सकते, पर थोर तो बोल के भी नहीं बता सकता, तो इसलिए यहाँ पे चढ़ के हमारे से उस टाइम में एक मतलब गलती हो गई समझ लो, क्योंकि हम इतने गम में वो थे कि हम इसको अकेला छोड़ गए ऊपर, और पीछे ही हमने हेला को घर से कहीं बाहर नहीं भेजा, हमने हमारे पीछे ही हमारी हेलू, तो हम जब उसका वो कर रहे थे तो हम इसको बोल गए, और ये सारा कुछ सोफे पे चढ़ किससे कुछ देख रहे थे, ये मतलब यहाँ से चढ़ के पीछे देख रहा था, बैक यार्ड में ही है हमारी हेला। नहीं थोरो, लेकिन इस चीज का हमें पता कब चला, जब हम बाहर जाते हैं और घर पे कोई नहीं होता, जब आप अचानक गेट खोलोगे तो आपको ये सोफा पर चढ़ के पीछे देखता हुआ ही मिलेगा, तो वही है बस। हाँ, ये वो सीन, ये भी नहीं भूल पा रहा है उस चीज, तो इस चक्कर में इसके साथ ज्यादा रहना पड़ रहा है। और
ऑब्वियस ही बात है भाई, हम तो बता रहे, हम बोल के बता सकते हैं बट ये नहीं बता सकता। और इसी दौरान एक और बहुत बुरी खबर आ गई है, वही देख रहे थे हम, वही पता चल रहा है कि भाई क्या बुरा हाल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा इस टाइम हमारे रीजन में, कि सिद्धू मूसे वाले भाई जो थे वो नहीं रहे और समझ ही नहीं आ रहा कैसे क्या हो रहा है। और सोड़ा भी उसके लिए कितना नुकसानदायक हो गया, बस इसका मतलब तो यही है कि भाई कोई तरक्की ना करे, है यही होगा कि कोई तरक्की मत करो तो अपने घरों में शांत चुपचाप दुबक के बैठे रहो, यही कर सकते हैं फिर दुनिया, क्योंकि इतना बड़ा नाम उस बंदे ने, ग्राउंडेड बंदा था और कभी मतलब कि जो भी उसके आगे गया कि भाई ये मदद चाहिए उसने वो पूरी करी, और फिर देख लो भाई क्या हुआ है, क्या मंजर हुआ है। है पापा जी बच्चा जा रहा है, मतलब समझ नहीं आता भाई चीजें क्या होती है, बहुत बुरा हाल होता है। और दूसरा भाई क्राइम, क्राइम मतलब हद से ज्यादा क्राइम हो रहा है हमारी, मतलब क्या पुलिस सिस्टम वगैरह बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, बिल्कुल कोलैप्स है हर जगह, यूं है यार पूरा हर, जो लोग जेल में बैठे हैं वो जेल में बैठ के लोगों को मरवा रहे हैं और ऊपर से यूं कह रहे हैं कि हमने करा है और कोई कुछ कर नहीं सकता, देख लो भाई। और कोई कहते ही है ऐसे गैंगस्टर में अपने क्या, अरे गैंगस्टर क्यों बने, कोई अच्छे काम कर देता है। हाँ तो मिसाल तो अच्छे कामों से ही बनती है ना, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो उस चीज को आप, उस चीज को आप नहीं प्रूव कर सकते राइट, एज अ राइट कि आप किसी बंदे को मार रहे हो, लाइफ लेना किसी की भी जान लेना कभी भी सही हो ही नहीं सकता, चाहे आप कितनी भी गलत सिचुएशन में हो। ये भाई ये संस्कार तो हमें दिए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये जो संस्कार उनके माँ बाप ने भी उनको दिए होंगे तो वो भूल चुके हैं, उन्हें याद रखे, हर बच्चा याद रखे, और ऐसे माँ बाप के जो एक एक बच्चे होते हैं उनको ऐसे ना छीने। और भाई हमारी पुलिस और हमारे इन पे फेथ रहना चाहिए भाई, आज के टाइम पे जितने भी बंदे वीडियो देख रहे हैं, कोई भी बंदा है कोई भी, वो क्या कहते हैं पुलिस ने कुछ नहीं करना भाई, सब एक बात कहते हैं, सब एक बात कि मतलब हमारा भरोसा ही उठ चुका है पुलिस से, तो क्या फायदा है पुलिस का। तो भाई अब ये लास्ट इंसिडेंट होना चाहिए ऐसा, आज के बाद ना हो तो इसलिए खड़े हो जाए हमारी पुलिस और हमारी सेफ्टी करें जिस चीज के लिए उनका काम है, सही बात है ना मम्मी पापा, बिल्कुल 100% राइट। अब उनका अंतिम संस्कार हो रहा है और इतनी दुनिया रो रही है, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, और मतलब पता नहीं ये अभी हैला के इंसिडेंट से निकले ही थे कि ये चीजें निकल आई है, तो बस समझ नहीं आ रही ये चीजें। और आप लोगों को अपडेट देना भी जरूरी था तो इसलिए अपडेट दे रहे हैं, थोर के साथ हूँ मैं और आज का दिन आके जो होगा वो भी बताऊंगा आपको। तो दोस्तों तुम्हारा भाई नहा लिया है, नहा लू के तैयार हो गया हूँ मैं, शाम के 5:30 हो गए और इस टाइम एक बार एक तो पेट शॉप पे चलते हैं थोर के लिए एक कैप्सूल और गोली लेके आते हैं, मेडिसिन जो टिक्स के लिए होती है वो ले आते हैं, और बाकी मैं तैयार हो गया हूँ भाई। मुझे ना कपड़े ये लूज मतलब टी शर्ट्स और लोअर यही पसंद है यार, और मेरे शूज़ ख़राब हो गए भाई, ये शूज़ मेरे ख़राब हो चुके हैं बिल्कुल, और मेरे को नए शूज़ लेने हैं, तो मुझे रेकमेंड करो कौन से लेके आऊँ जो डेली बेसिस पे यूज़ कर सकता हूँ मैं। मेरे फ़ोन में कोई बहुत तगड़े वाला इशू आ रहा है आईफोन में भाई, आईफोन ऐसे लेना मत यार, मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा, मैंने तो पापा के लिए भी मंगा दिया था, मतलब वर्थ इट नहीं लगा भाई, या तो मेरे वाले में ही दिक्कत है, पापा वाला तो बिल्कुल सही चल रहा है बट मेरे वाले में बड़ी दिक्कत आ रही है, स्टोरेज की दिक्कत आती है। आप लोगों के फ़ोन के साथ भी आ रही है क्या ये, कि मतलब ये स्टोरेज होती है बट वो स्टोरेज फुल दिखाता है और पता नहीं, और ये ठीक भी हो जाती है अगर रीसेंट मार दो ना फोन को तो ठीक हो जाती है, पर रीसेंट मारने में यार बहुत सारा डाटा चला जाता है इधर उधर, कितनी बार ऐसे बैकअप करे, मतलब बस वही है मूड सा खराब हो गया फोन लेके। सो आप अच्छा ये फ़ोन लेके, मतलब ऑब्वियसली बात आईफोन ही लूंगा मैं, क्योंकि मेरे को आईफोन का मतलब प्रोसेसर वगैरह सही लगता है, काम आदत हो गई यार इस पे, तो वही लूंगा, बट अभी थोड़ी देर इससे काम चला लेते हैं अपने एक्शन कैमरा से, इसका वाइड एंगल एक नंबर है बट ये ना बाहर डे लाइट में तो बहुत बढ़िया काम करता है बट ये अंदर सही काम नहीं करता, इसलिए मैं कई बार आईफोन यूज़ कर लेता था बट अब थोड़े दिन ये करते हैं जब तक वो सही नहीं होता। तो क्या ये मेरे आने से पहले ही यहाँ रखी थी इसने बॉल, और ये मुझे छेड़ता है ऐसे कि मतलब बॉल में देख इसको बॉल सबसे ज्यादा पसंद है, देखिए ना मैंने हाथ पकड़ा हुआ इसका कि कहीं नहीं जा रहा, आप इसका दूसरा हाथ पकड़ो, ना ना दे
मैं पता कैसे अल्लाह पकड़ा कैमरा मैं लेके दिखाऊंगा मैं ना, ना, दे देगा मेरे को इधर खड़े होके ना कैमरा पकड़ के दिखा मेरे को दे देगा देखना मैं कैसे पकड़ता इसको इसको दबा के अधिक दिन में हाँ उंगली दबा के छोड़ दे छोड़ दे ऐसे नहीं मैं प्यार से दे देता हूँ इतनी कुश्ती करने की जरूरत नहीं इतनी कुश्ती करने की जरूरत नहीं इसके साथ छोड़ दे भाई छोड़ दे कुश्ती जोर लगा होगा तो नहीं देगा जोर इसमें ज्यादा है प्यार से दे सकता है ये टूट रही थी इसलिए काबू में आ गई दे दी होगी अपना बॉल के चक्कर में कितनी इससे एक्टिंग करवा लेना देखो नॉक कर देगा अबे सेट खेले सेट देखना देखना ये कर दे देना और खेले आ जा हेलो 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 दूसरे हाथ से पीक पूरा पूरा तेज है फुल इसको फुल पसंद है बॉल तो बॉल के नाम पे कुछ देखना योगा कर दोस्तों कई दिनों बाद कार उठाई है पर एक्चुअली आप लोगों में से कईयों को पता होगा जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं मुझे कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था यार मतलब माइंड फ्रेश करना था पहले तो मेरा प्लान बिल्कुल भी नहीं था मेरे दोस्तों ने भी कहा मुझे कि आ जा भाई फिर मैंने उस टाइम तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था बट फिर मैं कहा चलो सोलो ट्रिप निकालते हैं तो फिर मैं फिर किलोंग वाली साइड चला गया था हिमाचल में किलोंग है ना वहाँ लद्दाख का बॉर्डर वाली साइड तो वहाँ वाली साइड गया था मैंने वहाँ बाइक वगैरह चलाई खुद के मतलब अच्छा लगा मुझे तो अगर आप लोगों ने वो देखनी है क्लिप्स तो मैंने मेरी इंस्टाग्राम पे डाली हुई है मेरा इंस्टाग्राम है भाई CH_Rachit_Pangal डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जरूर चेकआउट करना और रील अच्छी लगे तो भाई लाइक भी करना और शेयर भी करना। सो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि चलो आपको बार-बार दिखाते हैं बाहर जा रहे शॉपिंग करने तो भाई एकदम से इतना हेक्टिक डे हो गया कि भाई स्केड्यूल इतना हेक्टिक हो गया कि अब 11 बजे रात के और अब आया हूँ मैं घर के अंदर और इस टाइम मम्मी पापा के साथ बैठी है पापा को खाना खिला रही है पापा खाना खा रहे हैं मतलब खाना खिला रही है मतलब कि पापा खुद खा रहे हैं पर बैठ के खिला रही है और थोर के लिए मैं ये दवाई लेके आया हूँ भाई ये इसका नाम परफेक्टो है वो भाई ये 2600 रुपए की MRP है इसकी एक 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 टैबलेट की और देख लो ये पता किसके लिए ये टिक्स के लिए होती है एक गोली दे दो और काम खत्म एक साल के लिए आप फ्री हो ये देखो एक ये गोली है और इसका वेट कैटेगरी है इसकी थोर की पता एक्चुअली ये मेरे को मिल नहीं रही थी वेट कैटेगरी 40 से 56 kg वाली है ये सो ये देखते हैं और दिखा देता हूँ क्या हो क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे ना कि मेरे को हमें भी देनी है तो ये देखो भाई ये लिखा हुआ दिख गया और ये गोली है भाई परफेक्टो दे देना सही रहती है लो मम्मी कैमरा होल्ड करना आपको दिखाते हैं अब कैसे मम्मी से कैमरा छूट गया था देख लो ऐसे डॉक्टर तो कहते हैं कि ये छोड़ दो खुद खा जाएंगे पर ये हमारे महाराज हैं और उन्हें ही खाएगा देखें खाले की जगह लाइट ऑन और वेस्ट नहीं करेगी भाई देख ले मांग खाओ करके देखो भाई देने का तरीका देख लो खोल लो और नीचे धकेल दो गिटकी के अंदर गिटकी तो ये काम करना है क्योंकि गोली वेस्ट हो जाती है अगर ये चबाता ना तो यार वेस्ट हो जाती तो एक बार ले अंदर दे दो और काम खत्म और इना मीना की कुछ बोलने वाला था मैं वो अभी सरप्राइज दिया नहीं है मम्मी वो सरप्राइज इना मीना की जो है स्पेशल है अभी वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देंगे। सो दोस्तों व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कई दिनों बाद वापस आए हैं भाई ट्रैक पे सो भाई
जज्बे के लिए, प्यार के लिए, सब चीज के लिए एक वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी 150,000 करते हैं और फिर भाई केक काटेंगे आप सारी आरपी फैमिली मिलके, और हो सका तो आप मिलेंगे, मीटअप करेंगे, ठीक है? तो ठीक है ना, पर सबसे पहले 150,000 करो सब्सक्राइबर्स, और फिर जो जो कहेगा फार्म हाउस पे, अपने फार्म हाउस पे मीटअप कर लेंगे, जहां भी कहोगे वहां मीटअप कर लेंगे, ठीक है? सो जल्दी जल्दी 150,000 सब्सक्राइबर्स करो। उसके लिए क्या करना है, वीडियो में कमेंट्स करो, जितने भी कमेंट करो उतना अच्छा है, लाइक करो वीडियो को और वॉच टाइम ज्यादा रखा करो। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में बहुत तकड़े वाला सरप्राइज आने वाला है आप सब लोगों के लिए, इजाजत दो, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, ओके बाय बाय।